हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फंडे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सितारों के बारे में जिन्होंने दूसरी शादी की है। तो आइए जानते हैं वो कौन से बॉलीवुड के सितारे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड में रिश्ते भी अजीब होते हैं। कब किस स्टार का दिल किस पर आ जाए पता ही नहीं होता। कभी अपने से आधे उम्र के तो कभी अपने से दो गुने से ज्यादा उम्र से ये स्टार शादी कर लेते हैं। बॉलीवुड के कई हीरो ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं दो दो शादियां की है। तस्वीरों में देखिए कौन से ये हीरो हैं जिनके सिर पर दो बार बंधा है सहरा। सैफ अली खान। सैफ अली खान का दिल उनसे 12 साल बड़ी अमृता सिंह पर आ गया था। दोनों ने तुरंत शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के 13 सालों के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। अमृता सिंह से तलाक लेने के बाद सैफ अली खान ने 2012 में करीना कपूर से शादी की और आज सैफ और करीना के दो बच्चे भी हैं। और वहीं सैफ और अमृता सिंह के भी दो बच्चे हैं जिनका नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान है। आमिर खान। आमिर खान ने फिल्मों में आने से पहले ही रीना दत्ता से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं जिनका नाम है जुनैद खान और ईरा खान। आमिर खान ने रीना दत्ता से रिश्ता तोड़ने के बाद किरण राव को अपना हमसफर बनाया और उनसे शादी कर ली। अब किरण राव और आमिर खान के एक बेटे हैं जिनका नाम है आजाद राव खान। संजय दत्त। संजय दत्त ने 1987 में रिचा शर्मा से पहली शादी की थी। रिचा शर्मा की गंभीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। उसके बाद संजय दत्त ने 1997 में रिया पिल्लै से दूसरी शादी की, लेकिन 2005 में दोनों का तलाक हो गया। और फिर संजय दत्त ने तीसरी बार मान्यता दत्त से शादी की जिससे उनके दो बच्चे हैं। आपको बता दें कि त्रिशाला दत्त रिचा शर्मा की ही बेटी हैं। संजय दत्त और मान्यता दत्त के एक बेटे हैं जिनका नाम है शहरान दत्त। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से पहले प्रकाश कौर से शादी की थी। शादीशुदा और चार बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हैं जिनका नाम है सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल, अजेता देओल। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दो बच्चे हैं जिनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल। राज बब्बर। अभिनेता राज बब्बर ने पहली शादी नादिरा बब्बर से की थी और शादीशुदा राज बब्बर स्मिता पाटिल के प्यार में ऐसे गिरफ्तार हुए और उन्होंने नादिरा को छोड़ दिया और अब स्मिता पाटिल के प्यार में ऐसे पागल हुए कि उनसे शादी कर ली। करण ग्रोवर। अभिनेता करण ग्रोवर ने श्रद्धा निगम से साल 2008 में शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी और साल 2009 में उनका तलाक हो गया। श्रद्धा निगम से तलाक के बाद करण ने जेनिफर विंगेट से साल 2012 में शादी कर ली, लेकिन बाद में इन दोनों का भी साल 2014 में तलाक हो गया। और साल 2016 में करण ग्रोवर ने बिपाशा बासु से शादी कर ली। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।